केयर होम से नाबालिग हुआ गुम, रेलवे स्टेशन से घूमते हुए मिला था नाबालिग। आपको बता दें, बाल कल्याण समिति ने करवाया था केयर होम में दाखिल। जम्मू कश्मीर का रहने वाला ये नाबालिग है। क्रिश्चनगंज थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। अजमेर से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर केयर होम से नाबालिग गुम हो गया है। रेलवे स्टेशन से घूमते हुए नाबालिग मिला था, जिसे बाल कल्याण समिति ने होम केयर में भर्ती करवा दिया था और अब ये बालक लापता है। अजमेर से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां केयर होम से नाबालिग लापता है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच जारी है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं अजमेर ब्यूरो चीफ नवीन वैष्णव। नवीन, क्रिश्चनगंज थाना में एक मामला दर्ज हुआ है, जिसमें एक नाबालिग जो कि होम केयर में था और वो अब नाबालिग बताया जा रहा है, क्या कुछ अपडेट इस खबर पर? जी बिल्कुल सौरभ, मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्रिश्चनगंज थाना पुलिस को जो ये बलदेव नगर स्थित चंचल केयर होम है, इसकी हाउस मदर गुलाब मीणा ने एक रिपोर्ट दी, जिसमें बताया कि बाल कल्याण समिति ने 19 तारीख को एक बच्चे को यहाँ दाखिल करवाया था, जो रेलवे स्टेशन पर घूमते हुए मिला था। इस बच्चे को जब यहाँ दाखिल करवाने के बाद ये बच्चा यही था, लेकिन अचानक से ये बच्चा गुम हो गया और गुम होने की गुलाब मीणा का कहना है कि ये बच्चा जम्मू कश्मीर का रहने वाला है। और इस संबंध में जैसे ही पुलिस को रिपोर्ट दी, पुलिस ने इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर लिया और इस बच्चे की जो है तलाश शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि ये बच्चा दरगाह क्षेत्र में भी देखा गया था, अब दरगाह क्षेत्र में भी इसकी तलाश की जा रही है कि बच्चा दरगाह क्षेत्र में ही गई है या इसे किसी ने किडनैप किया है। इस संबंध में पुलिस की टीम पूरी गहनता से जांच कर रही है। और जो गुलाब मीणा है, उनका कहना है कि जो बाल कल्याण समिति की उनकी टीम है, वह भी इस बच्चे की तलाश में जुटी हुई है। जी, ऐसे में अभी तक क्या कुछ खुलासा हो पाया है होम केयर के अंदर? क्या सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं थे? इस तरह के बच्चे जो कि खुद गुम हुए होते हैं और यहाँ पर उनको लाया जाता है, बावजूद इसके कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं होती और वो यहाँ से गायब हो जाते हैं। जी सौरभ, कहीं ना कहीं होम केयर की सुरक्षा पर बिल्कुल सवाल उठता है, क्योंकि अगर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता होती तो ये बच्चा यहाँ से निकल नहीं सकता था। और ऐसी स्थिति में अगर निकला है तो कहीं ना कहीं ये होम केयर की सुरक्षा पे और उनकी कार्यप्रणाली पे भी सवाल या निशान लगाता है। हालांकि पुलिस अभी इस संबंध में पूरी जांच कर रही है कि किस तरह से ये बच्चा निकला और इसमें किसकी गलती अभी तक सामने आती है। जी ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद नवीन इस तमाम जानकारी के लिए।